Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. With another episode of Sports 360, I'm your host Ahmed Hamad. हम बड़ी बड़ी मॉस्क आपकी मस्जिद देखने गए थे, बहुत ही इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद देखने गए जी, और उसको देखे ऐसा ऐसी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, तो उसमें रूहानी शक्ति भी मिली हमें, भी देखा कि बहुत बड़ा मतलब पीसफुल माहौल मिला। और सबसे खास बात, वहाँ भी हमारे सरदार जी गए थे साथ में, और सरदार जी को देख के वहाँ का वाम आ गया इन फोटो खिंचाने के लिए। तो हमारे जो इंटरप्रेटर दिए हैं आपने पाकिस्तान की तरफ से, ओवैस ओवैस ने 5,000 रुपए टिकट रख दी वहाँ तो लोगों ने 5,000 रुपए टिकट ले दिया और फोटो खिंचाने के लिए। और मेरा ख्याल है कि 100 से ज्यादा लोगों की लाइन लगी, तो सरदार जी ने कहा जी मैं पैसा नहीं लेता, मैं फोटो अपने आपको ऐसे अपने साथ खिंचाऊंगा। ये प्यार मोहब्बत है जी, जबरदस्त। और कहाँ कहाँ गए फैसल मस्जिद के अलावा, और इस्लामाबाद में गई, सेंटर स्मॉल गए, सेंटर स्मॉल गए, उसमें भी बहुत एंजॉय किया खूब हमने। और आपका अपारा मार्केट में हमने आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जब हम इंडिया से पाकिस्तान आने वाले थे तो उन्होंने कहा हम एक शर्त पे आपको जाने देंगे, हमारी मेरी बेगम ने और इनकी बेगम ने भी। अच्छा, ये फरमाइश आ गई। वो हाँ, उन्होंने कहा क्या फरमाइश है, उन्होंने कहा आप इस्लामाबाद से वहाँ का पाकिस्तानी लोन के सूट जरूर लेके आना, लोन के सूट। इससे ये लगता है ये एक एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हम लोग आपको कितना चाहते हैं, मतलब तय दिल से आपको चाहते हैं, और ऐसे ही यहाँ की आवाम भी आपको चाहती है। और एक उदाहरण और दूंगा, और एक उदाहरण और दूंगा कि जब उन्होंने रेट डिसाइड की भाई ये पैसा हमें देना है, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे मेहमान हो, ये 1,000 रुपये हमारी तरफ से हम और छोड़ते हैं आपको, तो इससे बेहतरीन मतलब रेस्पेक्ट क्या मिलेगी हमको। अच्छा, दो चीजें हैं इस सारे किस्से में, एक तो ये कि पाकिस्तानी कपड़े को वहाँ पसंद किया जा रहा है, लॉन को क्वालिटी उसकी अच्छी है, और साथ ही साथ मोहब्बत है आपकी कि आपके घर वालों ने कहा कि वहाँ से हमारे लिए तोहफा लेकर आए, तो वो लॉन जो है लॉन के सूट लेकर आए। चले जबरदस्त जनाब, बहुत अच्छा जी। सरदार जी अपना तजर्बा दसो पाकिस्तान आने का। मैं सुखदेव सिंह कोच इंडिया बेसबॉल, मैं पहला भी आया सी ते हुण भी आया, आवाम तो बहुत प्यार मिलिया वा, और गेम जो दोनों की होंगी उदा मजा कुछ हो रही है, सारिया गेम ऐसा ही होना चाहिए ते साडा प्यार बनिया रहे। बिल्कुल जी, ऐसे भरावे दसो तुम गए सो अज फैसल मस्जिद गए सो की होया उ उत्थे बहुत वधिया लग्या वा, जाके असीं सजदा कीता वा वेख्या ते बहुत अच्छा लग्या, ते तस्वीरां वी बनाईआं ने बहुत तस्वीर करनी प्यार दी गल। दसो जी की आया तो एक साडे नाल इत्थों जिहड़े साडे लाहौर तों सानू जिन्हां ने रिसीव कीता सीगा ओह नाल सीगे। अच्छा, ओह कहिंदे भई असीं ना 10,000 रुपया कमावांगे तस्वीर, इक तस्वीर दा, ते 5,000 इत्थों मैनूं देणगे ते 5 ओह रखणगे। आवाम फिर भी आ गया, आवाम फिर भी आंदा सीगा, अच्छा लग्गिया। इन्हां ने कहा मैं पैसे नहीं लैणे, ये प्यार आ दिलां दे प्यार ने इदां ही बणिया रहे। चलो जी, असि तो कहांगे तुहाडी ख्वाहिश पूरी होवे। बिलकुल जी, ठीक है जी, चलो जी, बड़ी मेहरबानी। हमारे प्रेजेंट है फखर साहब, और ये इनके हाथ में है स्पीड गन, जो पिचर पिच करेगा उसकी स्पीड यहाँ पे गेज हो रही है माइल्स पर आवर की स्पीड से। लेट्स सी, लास्ट पिच ये जो हमारा बच्चा है
ये अभी 17 साल का है, 16 साल का है, 6 फुट 6 इंच का कद है, मुशर्रफ है। इसको हमने न्यू टैलेंट हंट के प्रोग्राम से लेकर आए हैं। अभी टोटल भी है इसको 6 मंथ हुए हैं बच्चे को आए हुए, लेकिन हम इसको गेम करा रहे हैं। बट 81 फेंकना स्टार्ट में बहुत अच्छी है, लेकिन हम समझते हैं अगर इसको तैयारी की जाए ये 90+ जा सकता है, पाकिस्तान का तेज तरीन पिचर बनेगा। Up their prayers. India versus Pakistan. This whole match is in progress. Players scouting for Baseball United. Indian pitcher. हाँ भाई, क्या होगा आज इस मैच का? चलो जीतेंगे। कौन जीतेगा? आप जीतोगे? हम जीतेंगे। अच्छा, अभी क्या स्कोर है? 1-0 किसका? आपका? इंडिया वन भाई, जो भी हो सर, पर जीतेगा दिल। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह, किधर से आए चरणजीत? मैं सर इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से तो पहला मौका है पाकिस्तान आए? नहीं, सेकंड टाइम आए हैं। कैसा लगा पाकिस्तान आके? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। लड़के, तो ये जो मैच हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैच तो अपनी जगह, लेकिन प्यार अपनी जगह। ये पैगाम जो हम प्यार का लेके आए हैं दुनिया भर, पीछे लड़के, आज जो फ्रेंडली मैच है, ये अल्लाह करे, भगवान करे, आगे भी फ्रेंडशिप ऐसे ही बढ़ती रहे। बताएं क्या कहना चाहेंगे एग्जीबिशन मैच पे? अच्छा अच्छा मैच होगा आज। अच्छा मैच होगा, होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस? बिल्कुल होने चाहिए, तमाम स्पोर्ट्स में। तमाम में। तो आप लोग पाकिस्तान आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस बताएं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ की हमसे बड़ा प्यार मिला, यहाँ अच्छे खेल का गुजारा हमने किया और देखने को भी मिला। और मैं सभी आवाम से कहना चाहता हूँ कि अब आप मिशमिकर रहिए, अब इंडो पाक सीरीज अभी अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ्स में मोस्ट प्रोबेबली हमारे जनरल सेक्रेटरी हरीश जी ने यह तय किया है, यहाँ फखर अली जी ने तय किया है कि मई के पहले वीक में संभावना है कि दोनों पक्षों के बीच में, दोनों देशों के मध्य बायलेटरल सीरीज पुरुष की मेल्स की ये ऑर्गेनाइज की जाएगी अमृतसर के अंदर। अमृतसर में? तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। यस यस, पाकिस्तान इंडिया बेसबॉल मैच होगा अमृतसर में, सीरीज होगी बायलेटरल, राइट? और ये होगी इस दफा इंडिया में। बिल्कुल, इस दफा इंडिया में। तो इस दफा मेजबानी इंडिया करेगा? यस, इंडिया करेगा। तो अब तो मेजबानी का मुकाबला हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने हमें प्यार दिया हम आपको देंगे अब। बिल्कुल जी, इसी तरह प्यार मोहब्बत आपस में मैं कहूँ कायम रहे। यस यस, दोनों मुल्क में हम रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं हरीश कुमार भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल अमेचर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। हरीश कुमार साहब, इंडिया में कहाँ से ताल्लुक है? मैं इंडिया में, मेरा जन्म हुआ था फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, हाँ जी, पंजाब में। पंजाब में, हाँ जी। एजुकेशन मेरी वही हुई है पंजाब के अंदर, उसके बाद मैंने सर्विस में यूपी ग्रुप में करता रहा, तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स में जाके मैंने सर्विस की है। मैं पहले, सबसे पहले पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मतलब आने से लेकर अभी तक हमें कवर करते रहे, तो इतना वार्म वेलकम दिया मीडिया ने, मीडिया की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद अवाम ने हमें उठाया और हमें वो प्यार मिला जो एक भाई दूसरे भाई को देता है। तो हमने भी इसी कोशिश को बरकरार रखते हुए हमने पाकिस्तान टीम को इन्वाइट किया है वहाँ इंडिया के अंदर, हम सीरीज कराने जा रहे हैं मई के अंदर में, 3 मैच की सीरीज होगी। तो मैं भी कहता हूँ यदि पाक गवर्नमेंट इजाजत देती है आने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लेती है, तो आप लोग भी आए हो, आप देखिए इंडिया की मैं बाहर बाजी को देखिए। अच्छा, इंडिया की आप लोग भी इंडिया के मेहमान बाजी देखे, हमने तो पाकिस्तान की देख ली है, मुझे नहीं पता लगा कि हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, यही हम चाहते हैं कि आप भी आए तो हम आपको कितना वार्म प्यार दे। देखिए, माजी की जितनी भी तल हकीकत है उनको भुला के नई जिंदगी का, नए सफर का आगाज होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपके साथ में हूँ। मेरा मुझे नहीं लगता कि आवाम के बीच में ऐसी कोई तलख है,
ये मैं नहीं ज़्यादा राजनीति मैं जानता नहीं, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर अवाम में बहुत प्यार है, अवाम में प्यार है, और ये मेरे ख्याल से मजबूर करेगा फैसला करने वालों को कि ये इस तरह अलग नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अब जल्दी ये सब आने वाले मेरे का विद इन टाइम पीरियड 6 मंथ ये सब कुछ आपको बहुत नॉर्मल मिलेगा दोनों साइड से। अच्छा अच्छा, इंडिया में एक तो आपने कहा कि मई में ये बायलैटरल सीरीज होगी, साथ ही एक मेगा इवेंट इंडिया में क्रिकेट के हवाले से होने जा रहा है, वर्ल्ड कप क्रिकेट अक्टूबर नवंबर में। हाँ जी, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये क्रिकेट तो एक ऐसा, मैं बेसबॉल के बारे में, क्रिकेट के बारे में तो ज़्यादा, क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान में भी और नाम है, और क्रिकेट के पास में वो सीरीज को तो मेरा क्या लाइव टेलीकास्ट बहुत कुछ मिलता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बेसबॉल को जो हम करने जा रहे हैं उसको भी लाइव टेलीकास्ट हो, और उनको भी थोड़ा मतलब ज़्यादा माइलेज मिलने चाहिए ताकि वो भी क्रिकेट की तरह पॉपुलर हो इंडिया में। अच्छा, क्रिकेट की बात करते हैं, हमने देखा है 70s में 80s में पाकिस्तान में इमरान खान बहुत मशहूर, इंडिया में भी मशहूर, फिर इंडिया के प्लेयर सुनील गावस्कर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, कपिल देव को बहुत पसंद किया था। अभी जो मौजूदा टीम है इसमें अगर बात की जाए दोनों ममालिक के स्टार प्लेयर की, तो इंडिया में तो विराट कोहली, पाकिस्तान में आपकी नज़र में कौन सा ऐसा प्लेयर है? मैं नहीं समझता भी दोनों, जो मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये कि यदि हमारा दोनों मुल्क एक होते तो हम जानते हो आप कि हम हॉकी में और क्रिकेट में भी हम दोनों। और ये जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसमें इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो? बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ के आवाम को ये पसंद होगा, दोनों का फाइनल बहुत एक्साइटेड मैच होगा, और उसके अंदर दोनों देशों की, न केवल दोनों देशों की बल्कि पूरा वर्ल्ड भी बड़ा एंजॉय करेगा उस मैच को, क्योंकि जब दोनों अरबली आपस में भिड़ती है, मैं तो शुद्ध हिंदी में कहता हूँ भिड़ती है, तो वो एक एक्साइटमेंट अलग ही होता है और खेल बड़ा अपनी पीक पे पहुँचता है। चले, कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के आवाम को आप? यही मतलब यही प्यार मोहब्बत को बनाए रखें, और इसी से दिल्ली हम भी चाहते हैं इंडिया में ये खुश रहे। हाँ जी, खुश रहे, दोनों देश तरक्की करें और आपस में सहभागिता बनाकर एक दूसरे की को अपनी टेक्नोलॉजी देकर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, ग्रोथ करें, फाइनेंशियली मजबूत हों, तो ये अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थोड़ा नाम की बचे? जसदीप सिंह। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ? ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ? ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਕੀ
नैगेटिव थोड़ दूर हो गए पॉजिटिव है पर उरे भी अपने लोग ने अपनी जबान है हुण देखा बहुत वधिया लग रहा है ते मिलेगा मौका मिले मैं जरूर आऊंगा ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਿਕੰਬਰ ਦੀ ਤੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਸਬਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਸਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਡੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਓਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਕੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਜੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਬੈਟਸਮੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਿਸ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਇਮਾਮ ਉਲ ਹਕ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ
कुछ नहीं है सर, सब बढ़िया है, जो सोचा था वो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पे आने के बाद जो मिला है वो प्यार बहुत अच्छा प्यार मिला है। वापस आके क्या बताओगे पाकिस्तान के हवाले से, क्या कोई यादगार चीज़ है जो आपने एक्सपीरियंस की है? यादगार सर दिल होता है सब, इतना अच्छा दिया इन्होंने तो वही बताएंगे सर वहाँ जाके, कि जो वहाँ के लोग सोच सके वो सोच अलग बदले, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि पोर्ट्रे किया जाता है, नहीं नहीं इससे टोटली डिफरेंट है, सिक्योरिटी डिफरेंट। और कोई बात कहना चाहेंगे आप पाकिस्तानियों के लिए पैगाम, अपने अपने इंडियन के लिए पैगाम कि आप भी पाकिस्तान आ सकते हैं एक्सपीरियंस कर? पाकिस्तान आओ, बहुत बढ़िया है, सबकी सोच बदलेगी धीरे धीरे, जो जो मतभेद है उसको प्यार में बदले सब, ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है जी, मैं इंडिया तो जी पंजाब तो लुधियाने से बिलोंग करता जी, पाकिस्तान मैंने बहुत वधिया लगे जी, जितना असी उतों आने पहला सीगा उतों के लोग सानू की कह समझणगे नहीं समझणगे, पर इतने तो लोग बहुत वधिया सी, जो असी बॉर्डर ते सीगे ये सारा वेट करते रहे, जब असी आए ये बहुत खुश हुए, सानू जप्पी पा के मिले जी, लोग इतने की रोटी इतने के लोगों की शक्ल जी सब मिलती जुलती है जी, सेम स्किन है जी, किसी तरह की कोई गल नहीं है। रोटी की गल की थी, रोटी एक ही है दोनों की? रोटी एक ही है जी, की पुछना जी, वही रोटी जी, ते सब कुछ रोटी पानी सब कुछ वधिया सी जी, साडी सिक्योरिटी फुल दित्ती जी इन्होंने जी इंडिया टीम नू जी, ते असी इधर हुण बाहर ही इत्थे मार्केट आ, लाइक जिवें लुधियाने दे विच मार्केट लगदी है जी घंटा घर, उत्थे पूरा लुधियाना शॉपिंग करन आंदा, इत्थे स्टेडियम दे बाहर ही मार्केट आ जी अपारा मार्केट, ते उत्थे सारे वधिया अपना रोजगार वधिया कमांदे ने जी, सो बहुत वधिया लगदा जी आपां नू जी इत्थे। अपारा मार्केट आपने विजिट की और आपको बहुत अच्छा? विजिट कीता जी, बहुत वधिया, असी उन्हां नू दसदे आ पहला असी समान लै रहे, तो फिर असी दसिया असी इंडिया तो हाँ, जे असी मान लो जी 800 का समान लिया वा, कहिंदे चलो जी 400 रुपए दिओ जी सानू तुसी इंडिया तो, तो सानू बहुत वधिया लग्या जी, उस तो बाद सानू घुमाण लैके गए सीगे जी फैजल मस्जिद, तो वह बहुत वधिया जगह सी जी, पीसफुल जगह है जी, साई मंदिर तो उत्थे शांति है जी, बड़े आराम नाल शांतिमय बंदे ने जी, इत्थे भी उसी तरह सी बहुत वधिया बंदे है, जिधर गए आराम नाल बैठे सीगे, फोटो फोटो कराई जी आपां, वधिया शांति, कोई शोर नहीं, कोई रौला रप्पा नहीं जी, जिवें अपने पंजाब दे विच गुरद्वारा साहिब दे विच हुंदा जी, मत्था टेकदे ने बंदे जी, लंगर छकदे ने, वधिया शांत रहिंदे ने जी, किसे तरह दा कोई डरन वाली कोई गल नहीं सी। वापस जाके की पैगाम दोगे अपने भैन भरावां नूं? असीं तां जो देखा जी वधिया दसण के जी, जिथे तक सानूं जिहड़े लोक मिले ने सानूं तां उहनां दा वधिया लग्गिया जी, बाकी तां गल्लां बहुत हुंदियां जी, जो असीं देखिया सी उह जरूर दस्सांगे जी, तां गल्लां जिहड़ियां हुंदियां ने सही नहीं है, चलो जी होंदिया जो असं टीवियां से देखते हैं जी, हम की कर सकते, जो दिखाया जाता वा हूँ जो इतने आके दसिया वो बिल्कुल है नहीं, साढ़े नाल तो इदा कुछ होया नहीं। हाँ जी अख्तर, अख्तर आ जाओ इधर जी। अच्छा अच्छा, चले अख्तर पहले तो अपना तारुफ कराया। मैं अख्तर खान, इंडियन बेसबॉल प्लेयर। अख्तर खान, गुड बाय पाकिस्तान। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर, इंडियन बेसबॉल प्लेयर, वेरी गुड। और हम तो यहाँ पर आए हुए हैं। अख्तर कहाँ से, इंडिया में कहाँ से था? मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ कहाँ है मुझे अगर पाकिस्तान वालों को? बिल्कुल सेंटर में इंडिया के जो एक स्टेट है वो छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर सिटी है, हम लोग वहाँ से आए हुए। और छत्तीसगढ़ के आसपास कोई मशहूर जगह, मशहूर जगह है वहाँ पे बस्तर, जो एक अपने यहाँ का है बहुत ही ट्रेडिशनल आदिवासी क्षेत्र है जो पूरे इंडिया में फेमस है, जहाँ पे चित्रकूट करके एक जलप्रपात है बहुत फेमस है। किसी बड़े शहर का नाम बताएं? रायपुर है वहाँ पे, और जहाँ पे अभी लेटेस्ट में इंडिया और न्यूजीलैंड के T20 वर्ल्ड मैच हुए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आपका ताल्लुक जी? अच्छा, अब तक क्या करते हो इसके अलावा? मैं स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ खुद। स्पोर्ट्स टीचर है जी? अच्छा, गवर्नमेंट में वहाँ पे स्कूल के क्या पढ़ाते हैं स्पोर्ट्स में? क्या स्पोर्ट्स का टीचर? हम लोग का फिजिकल एजुकेशन है, हम लोग के अभी उसमें अभी सब्जेक्ट पे तौर पे नहीं लिया गया है। अच्छा, अगर आपने अभी बात की बेसबॉल के, आप लोग खेलने आए हैं तो अपने एक्सपीरियंस को बताएं, कैसा तजुर्बा रहा आपका? ये सर पहला इंटरनेशनल मेरा टूर था, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्राउंड भी देखने को मिला, बहुत ही अच्छे जो वार्म वेलकम था यहाँ पाकिस्तान से देखने को मिला, और जिस तरह से लोगों के सामने छवि बनी हुई है पाकिस्तान, उससे बहुत ही अलग ही यहाँ पे माहौल देखने को मिला, शानदार। हमने क्या कहते हैं यहाँ पर खेल का प्रदर्शन भी किया यहाँ पर, और जो यहाँ पर एक कल्चर हम लोग को देखने को मिला, और जो हम लोग बाजार पे गए वहाँ पे मोहब्बत प्यार जो मिला उससे पूरी टीम बहुत खुश है हमारी। बहुत अच्छी बात है। न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच की आपने अपने स्टेट की बात की जी, वर्ल्ड कप होगा इंडिया में अक्टूबर नवंबर में,
पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जा रही है खेलने, तो क्या चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और उसमें ऑब्वियसली स्टेडियम तो फुल होगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, तो बैलेंस होगा सपोर्ट, या आप समझते हैं कि नहीं ऑब्वियसली जिस मुल्क में सीरीज हो रही थी वो अपनी टीम को ज्यादा सपोर्ट करती है? नहीं, सभी करते हैं, वैसे सपोर्ट तो बैलेंस ही रहता है, लोग पसंद भी करते हैं, यहाँ के खिलाड़ी वहाँ पे भी बहुत पसंद किया जाता है, आमिर हो गए, शोएब अख्तर हो गए, आपके बहुत पसंद किए जाते हैं, और अफरीदी तो है ही फिर। हाँ, शाहीन अफरीदी की बात कर रहे हैं या शाहिद अफरीदी? पहले थे और अभी तो शाहीन अफरीदी है, लोग बाबर के स्पेल देखने के लिए वो रहते हैं कि मैच में देखना उसके स्पेल। जी, शाहीन अफरीदी का एक पास एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने T20 की अगर बात की जाए तो उन्होंने 27 मरतबा अपने पहले ओवर में विकेट हासिल की। जी, जी, जी। और हमें पता है कि इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने रोहित शर्मा, फिर KL राहुल, विराट कोहली, इन सबको, उनका जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का बॉल जो एंगल के साथ अंदर आता है, सिर्फ अंदर नहीं आता, पेस के साथ अंदर आता है, वो डिसेप्टिव है, वो मुश्किल है उसको कोप करने के लिए बैट्समैन के लिए। क्या कहेंगे इस क्वालिटी के हवाले से? शाहीन बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के और वर्ल्ड के भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलरों में आता है शाहीन अफरीदी, और हमारे बैट्समैन भी जो है विराट कोहली तो फिर बात ही नहीं है, नंबर वन है और बहुत अच्छे बल्लेबाजी वो करते भी हैं, और थोड़ी परेशानी कभी कभी हो जाती है, सभी बल्लेबाजों को दिक्कत आती है किसी किसी खिलाड़ियों से, और माशाल्लाह दोनों ही टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान को, इंडिया को? मैं दोनों मुल्क को चाहूँगा कि क्या कहते हैं, यहाँ पर ऐसी सीरीज होती रहे, बेसबॉल के अलावा भी सभी खेलों की सीरीज होती रहे, ताकि दोस्ताना और जो प्यार का माहौल बना हुआ है ये आगे भी जारी रहे। नाम दस्यो दो। लखन लाल कहाँ से ताल्लुक आपका? हम इंडिया छत्तीसगढ़ स्टेट। अच्छा, आप भी छत्तीसगढ़ अख्तर की तरह। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ इस वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप में आए, पाकिस्तान देखा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और बहुत प्यार मिल रहा है हमको यहाँ के, और हम चाहते हैं कि और भी पाकिस्तान की टीम भी हमारे यहाँ आए और हमसे मैच खेलें, कर रहे हैं हमारे सर, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द वो सीरीज हो और पाकिस्तान की टीम हमारे यहाँ। अच्छा जी, आप बताएं। मेरा नाम गुजर सिंह, मैं इंडिया तो पंजाब। पंजाब केड़ी जात है? पटियाले तो आयो। दसो, पटियाला ते इंडियन पंजाब ते पाकिस्तानी पंजाब इक्को ही जाए? कोई फर्क नहीं गा जी, असि इत्थे आए हां जिद्दन दे, बहुत प्यार मिलिया इत्थों दे लोकां दा, बहुत सानू प्रेम प्यार मिलिया है, जो असि कहने आ ओह सानू कंप्रोमाइज करने, सानू इंज लगे नहीं असि पंजाब तों उठ के पाकिस्तान च आए हां, बिल्कुल नहीं, कल्चर भी सेम है, रहना सहना सब कुछ, सब कुछ सेम। ते गेम दे बारे दसो, किस तरह दी गेम हो रही है? गेम बहुत 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 वधिया टूर्नामेंट हो रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इंडिया टीम च, असी यानी कि फ्लोर तो बहुत अच्छी है, बहुत वधिया जो टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज करवाया पाकिस्तान। मौसीकी नाल है कोई शगफ? मौसीकी पसंद है? मौसीकी, मौसीकी। पाकिस्तानी सिंगर केड़ा पसंद है? पाकिस्तानी सिंगर, हां पसंद नहीं। केड़ा? नसीबो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? नसीबो लाल। हां जी, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ। ਅਬ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ नसीबो ਦਾ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਚਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਬਾਲ ਮੈਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਣਾ ਇਜ਼ ਦ ਪਿਚਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਟਰ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਕ੍ਰੀਜ਼। Swinging one, लेकिन अच्छा पिच। दोनों टीमों के दरमियान मैच जारी है, स्कोर है 1-1। और ये इंडिया इंडियन बैटर ने पाकिस्तानी फील्डर कैच नहीं ले पाए और पाकिस्तान ने दूसरा रन पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया। तीसरी इनिंग इस वक्त जारी है, पाकिस्तान का स्कोर 2 हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कंप्लीट किया।
स्पोर्ट्स का रिवाइवल है। और आपको बताते चलें कि जैसा अभी हमें बताया इंडियन मैनेजर ने, इंडियन बेसबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने, कि इंडिया मई के महीने में सीरीज जो है वो मुनक्किद कराने जा रहा है, जहां पाकिस्तान जाएगी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज होगी। तो ये एक अच्छा साइन है मैं कहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान खेलों के रवाबित जो है वो दोबारा से बहाल होने जा रहे हैं। और ये उसकी तरफ एक पहला कदम है कि बेसबॉल के थ्रू आप देख रहे हैं इंडियन टीम पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान ने उनकी बहुत ही बेहतरीन मेजबानी की। देखा अंपायरिंग करते हुए, आज देखा है माशाल्लाह, सुना था नाम कि अंपायरिंग बहुत अच्छी करते हैं। और ये बॉल वन मेरे ख्याल में शायद इशारा किए उनके साथ मोहसिन खान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल, वो भी तशरीफ फरमा है। और उनके साथ गुलाम मुर्तजा चीमा साहब, फोकल पर्सन पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल, वो भी तशरीफ फरमा है। और उनके साथ एक बेहद मशहूर है ताहिर पापा, आप उनके साथ बोल रहे हैं, नो डाउट ताहिर पापा उन्होंने संभाली हुई थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्कर है हमारे। कर लिया और थर्ड बेस जो है वो लोड हो गई है पाकिस्तान की तरफ से। मैं भाई आउट हो गया बैटर अभी बेस, नए बैटर पाकिस्तान के नरेंद्र राणा पिचर है इंडिया की तरफ से। हमारे अच्छी पिचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे यंग प्लेयर जहदुल्ला और उसके साथ हैं असदुल्ला, उसके साथ हैं इमानुल्ला, उसके साथ हैं नियाजीउल्ला, चारे नाम इकट्ठे हैं जैसे बैठे हुए यार, क्या बात है यार, बिल्कुल दो आउट आप अल्लाह को प्यारे हैं। अच्छा मैच इंडिया और पाकिस्तान फिर आए दूसरी बारी में। हाँ जी जी, आप देखते हैं क्या करते हैं, शॉट ही लगाएंगे इंशाल्लाह जी। और ये डाउन बॉल का स्लो कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो कर रहे हैं, कोई तेज नहीं कर रहे, फंसाया हुआ है पाकिस्तान टीम को, तीन स्कोर है पाकिस्तान टीम का, 3-1 का मुकाबला। अच्छी हाई बॉल, हाई बॉल, हाई बॉल, हाई बॉल, और तीसरे बैटर भी आउट पाकिस्तान के। खासतौर पर यूनाइटेड जैन का भी डेब्यू हो चुका है जी, आज जैन का डेब्यू, देखो क्या करते हैं शीले पिचर। अच्छी पेच लेकिन अंपायर की जानिब से बॉल हल्ला ना लगे, बस जो है वो फील्ड से बाहर चली गई की जानिब से। क्या बात है, कल किसी भुला ही नहीं करती है, अच्छे गोल की निशानी होती है। असदुल्ला
और ये जहदुल्ला करामुल्ला भी है माशाल्लाह, करामुल्ला भी है, उस्मानुल्ला भी है, नदीमुल्ला भी है। बहुत अच्छी फील्ड, बहुत क्या बात है, क्या बात है, जोर करनी और फर्स्ट बेस की मान भाई सारे भाई पक्का ठीक है। मैनेजर 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 ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी चाइनीज भी थे जापानीज भी और ये सारी चीजें पहुंचे गुड वसीम अकरम बहुत अच्छी शॉट अच्छी शॉट डीप लेग साइड पे गई और दो बेस कवर किए बाहर। तमाशाई कुछ कहना चाहते हैं हमें प्लीज माइक पे कहें। एक और शॉट वसीम अकरम की जान से तीसरा लोड हो गया और चौथा रन कंप्लीट। इन्होंने हमारी गलती नोट की, थैंक यू साजी। अच्छा मैं बात कर रहा था, आप वापस आए, टीम का स्कोर मुकम्मल हुआ। बहुत वसीम अकरम माशाल्लाह पूरे टूर्नामेंट इसके ऊपर ना रन से फिदा है और कामयाबी काम है मुझे पता चला है। अच्छा जी नदीम जी, हम वापस आते हैं, मैं बात कर रहा था ग्राउंड की, ग्राउंड फील्ड की, और माशाल्लाह पहले के नदीम भाई हैं, आशा भाई हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड इस दफा जो है और यहाँ के जो कैप्टन थैंक्स करता हूँ लगते हमारे चीफ गेस्ट भी आ गए और ये बहुत अच्छा शॉट है। इसको तो कोई नहीं रोक सकता, डेफिनेटली ये सेकंड बेस पे जाएंगे जी, आराम से सेकंड बेस पे पहुंच गए यूनुस खान और मोहम्मद भाई पाकिस्तानी बैटर सेकंड बेस पे पहुंच गए। लेकिन रुक गए, अच्छी शॉट थी मोहम्मद के। खैर पापा भाई मैडम कमेंटेटर है काफी लेके हम बात कर शॉट ग्राम की लेके और एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम इट्स गुडबाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360। कीप ऑन वाचिंग स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हम्माद फॉर लेटेस्ट न्यूज़ views and interviews of sports personalities from around the world.